सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओमैन। वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो क्या हाल है जी सबके। तो दोस्तों, रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर हमारा जो है स्मूथ 444, उसने जो है अपनी सेटिंग रिवील कर दिया है अपने चैनल पे, जहां पर उसने एक वीडियो डाला और वहां पर उसने अपने जो सारी सेटिंग है उसको रिवील कर दिया है, जहां पर उसने बताया कि भाई वो कौन सा है ना इम्यूलेटर यूज करता है, ब्लूस्टैक का कौन सा वर्जन यूज करता है, एक्स एंड वाई और माउस डीपीआई क्या है, उसका ट्विक्स क्या है और इम्यूलेटर डीपीआई वो क्या करता है यूज, जिससे उसका हेडशॉट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सारी सेटिंग उसने अपने चैनल पे जो है रिवील कर दिया है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं वो सारी सेटिंग जो है ट्राई करने वाला हूं, टेस्ट करने वाला हूं, आपको एक ना सही ओपिनियन देने वाला हूं कि अगर आप है ना ये वाली सेटिंग यूज करते हो तो क्या आपका हेडशॉट वगैरह लगेगा या फिर आपके गेम प्ले में इंप्रूवमेंट वगैरह होगा कि नहीं, या फिर ना मेन ओपिनियन में ये देने वाला हूं कि किसी की सिर्फ ना सेटिंग कॉपी करने से क्या आप जो है अच्छे प्लेयर बन पाओगे, मतलब अच्छा खेल पाओगे कि नहीं, ये सारी बातें होने वाली आज की अपनी वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है मेरे दोस्त, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे आप स्मूथ 444 के चैनल पे आओगे, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वो वीडियो है, ठीक है, फाइनली सेटिंग रिवील करके। तो इसमें उसने सारा अपना रिवील कर दिया है सेटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उसका इम्यूलेटर वर्जन, जो कि ब्लूस्टैक का 4.24030100002 है। अगर आपको ये एग्जैक्ट वर्जन डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी सबसे पहले अपन जो है उसकी गेम की जो सेटिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पर 2x 4x को उसने 35 29 31 100 जो है करके रखा है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली सेम कॉपी करने वाला हूँ। वैसे मेरे को तो नहीं ज़्यादा, मतलब जितना मेरे को पता है भाई, ये गेम की सेटिंग उतनी मैटर नहीं करती पीसी प्लेयर के लिए, क्योंकि हम लोग एक्स एंड वाई और अपना जो ट्विक्स वगैरह होता है उससे जो है पूरा सेंसी सेट करते हैं, ठीक है, एंड अपना माउस डीपीआई होता है उससे। तो यहाँ पर नेक्स्ट उसने बताई है अपनी इम्यूलेटर की सेटिंग। तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाके मैं यहाँ पे करता हूँ 1920x1080। अगर आप लो एंड पीसी प्लेयर हो तो उसको कम रखना, ठीक है। यहाँ पर लेकिन उसने डीपीआई जो है माउस डीपीआई 320 करके रखा है, 320 करके रखा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे उसने डिस्प्ले की सेटिंग करके रखी है जो कि है परफॉर्मेंस एंड ओपन जीएल, जो ऑलरेडी मेरा वही सेट है, और जो ये जीपीयू का ऑप्शन है वो टिक नहीं होगा भाई, ब्लूस्टैक के ओल्ड वर्जन में नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर सेम जो, मतलब जो सेटिंग आपकी जो डिफॉल्ट होगी ना वही यहाँ पर आपको आ जाएगा, जैसे जो उसने करके रखा है, जैसे ASTC को डिसेबल है, CPU और जो RAM है वो हाई पे सेट करके रखा है पूरा मैक्सिमम, क्योंकि भाई उसके FPS देख सकते हो आप कितने आते हैं भाई, 200-300 FPS आते हैं। वैसे उसका भी मेरे को ट्रिक पता है, मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो FPS यहाँ पे 240 उसने करके रखा है इनेबल हाई फ्रेम रेट करके, तो वो भी यहाँ पर मैं करके रखा हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन का कुछ उतना नहीं होता, तो फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई, क्योंकि कोई बंदा ये बोला भाई उसने तो नोटिफिकेशन भी किया था, तुमने तो किया ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ जो जो उसने किया है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर जो डिवाइस से वो करके रखा है उसने Asus ROG 2, जो वही यूज करते हैं सब लोग अच्छा, मतलब गेम प्ले चलने के लिए। ऐसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका गेम एक बार क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर मैं गेम को ओपन कर लेता हूं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की उसने कौन सी सेटिंग यहां पर शेयर की है। तो अभी यहां पर उसने नेक्स्ट जो सेटिंग है वो यहां पर आप बोल सकते हो, जो मेन सेटिंग है एक्स एंड वाई ट्विक्स और जो है ना सब कुछ जो हमारा मेन होता है भाई इम्यूलेटर सेटिंग में, वो यहाँ पर उसने शो किया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना गेम ओपन कर लेता हूँ और ये सारे स्क्रीनशॉट जो है मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा। अगर आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एंड वाई क्या क्या रखा है उसने, X 1.55 एंड वाई जो है वो है 1.25 और ट्विक्स जो है भाई वो डिफॉल्ट ट्विक्स पे खेलता है, मतलब बोला था ना मैंने डिफॉल्ट ट्विक्स बहुत सही होता है। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ये सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। अगर आप है ना, मतलब पूरा एग्जैक्टली चाहिए तो मैं बोला मैंने जैसे आपको डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा मैं सारे स्क्रीनशॉट, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जो है आप ध्यान रखना सेटिंग करते टाइम, जो लास्ट में आपको दिख रहा है एक्स एंड वाई का, ठीक है, नीचे ये आपकी फायर की पोजीशन, फायर बटन की पोजीशन चेंज हो जाएगी इसको चेंज करने से, तो आप जो है इसको चेंज नहीं करना। मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब सेटिंग जो है उसको ट्राई करने वाला हूँ, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं फटाफट से ये सारी सेटिंग जो जो उसने करके रखी है उसको यहाँ पर मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। अभी ये सेटिंग देख के तो मेरे को इतना लग रहा है कि भाई वो हाई सेंसी पे ही खेलता है, क्योंकि 1.25 को वाई को जो है उसने रखा है और एक्स को जो है 1.55 रखा है। तो मैं तो भाई लो सेंसी पे खेलने वाला प्लेयर हूँ, ठीक है, एक के नीचे ही करता हूँ सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे फटाफट से सारी सेटिंग मैंने कर दी है। अभी नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है हमारी जो अपना जो उसने माउस डीपीआई जो शेयर किया है उतना, तो यहाँ पर वो डेथ रेजर का शायद से ना माउस यूज़ करता है, जो इंटरफेस देख के मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर 1000 आप अपने माउस का डीपीआई सेट कर लेना। जो मेरा जो माउस है वो है लॉजिटेक का, वैसे डेथ रेजर का भी माउस भाई सही है, बहुत बंदे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1000 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देन देखो यहाँ पे मैंने 1000 ऑलरेडी सेट करके रखा था मेरा पहले से ही। तो यहाँ पर सारी सेटिंग अपनी हो चुकी है। अभी सेंसी करने की, सारी सेटिंग करने के बाद तो मेरे को तो भाई
बहुत सही लगा, मतलब ऐसा कुछ हाई वगैरह नहीं लगा उतनी, लेकिन नॉर्मली लग रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लग रहा था। और जब मैं ड्रैग वगैरह कर रहा था तो भाई आसानी से ड्रैग भी हो पा रहा था। अभी रिकॉइल की और ये जो सेटिंग होती है, ये आपको जो है जो विंडोज़ वगैरह वहाँ पे माउस की सेटिंग वगैरह जो होती है उसमें जाके आप जो रिकॉइल को बहुत हद तक जो है कम कर सकते हो। सिर्फ एक्स एंड वाई और ये सब करने से आपके रिकॉइल उतना नहीं होता है, ट्विक्स वगैरह चेंज करने से भी आप हो सकता है आपका रिकॉइल कम हो, लेकिन अगर आप हाई सेंसी पे खेलते हो तो आपका रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है। आप सब थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। वैसे ही मतलब जो लो सेंसी पे खेलते हैं उनको मतलब माउस ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन वो आसानी से हेडशॉट मार पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो है उसकी सेटिंग वर्क वगैरह कर रही है, कैसे हेडशॉट वगैरह लग रहे। लेकिन मेरे को थोड़ा बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि सेंसी ऑटोमेटिक जो है बढ़ जा रही है, मतलब फ्लक्चुएशन मेरे को लग रहा था सेंसी का, पता नहीं क्यों ये। लेकिन मेरे दोस्त ने यही सेम सेटिंग ट्राई किया यही सेम वर्जन पे, तो उसके तो भाई बहुत हैकर के जैसे हेडशॉट लग रहे थे। तो अभी जैसे मैंने बोला है, मैं अपना ट्रू ओपिनियन दूंगा कि आप किसी की भी सिर्फ सेटिंग कॉपी करने से भाई उसके जैसा गेमप्ले नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके मतलब हेडशॉट नहीं लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी, अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह कर लिया फिर आपके हेडशॉट लग जाएंगे, फिर आपको लगता है कि भाई हाँ यार सेटिंग कॉपी करने से ही हेडशॉट लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी जो बेस्ट सेटिंग खुद से बनाते हो, जो आपके एक्सपीरियंस होता है जिस पे खेल के, तभी आप जो है ना आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे। जो मैं आपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी मेरा ही छोड़ दो, कोई भी प्लेयर का अगर आप सिर्फ सेंसी कॉपी करते हो तो नहीं होगा। ठीक है, आप एक जस्ट एग्जाम्पल की तरह या फिर रेफरेंस की तरह उसकी सेटिंग ले सकते हो, एंड देन अपने जो अपना क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करके और अपने एक्सपीरियंस से कि भाई अच्छा मेरा मतलब ड्रैग ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को ये कम करना पड़ेगा, मेरा मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो मेरे को ये मतलब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये जब आप सीखते हो ना तभी आप जो है अपने आप जो है सेटिंग बन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग में भी मैं जब खेल रहा था तो मेरे तो मतलब अच्छे से मतलब चल रहा था, मेरा सही से हेडशॉट वगैरह लग रहा था। अभी मैं गेम जो है काफ़ी मतलब हद तक मतलब ना के बराबर ही खेल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको एक पूरा ट्रू ओपिनियन दे दिया, जो बहुत सारे बंदे नहीं देते, वो बोलते कि हाँ कॉपी कर लो ये कर लो, तो आई होप कि मैंने आपको पूरा बता दिया इस वीडियो में सब टेस्ट करके। अगर आपको एग्जैक्ट वर्जन चाहिए जो स्मूथ यूज कर रहा है तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड पे लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट से जाओ डाउनलोड करो और ये वाली सेटिंग ट्राई करके मेरे को बताओ कि कैसे चल रहा है आपके जो पीसी में ये वाला जो सेटिंग अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और मजे करो भाई, और जो है ना अभी खत्म होने वाला है साल, तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ। ठीक है, पता नहीं भाई बाद में टाइम मिले या ना मिले, वीडियो तो डालूंगा उसके पहले ही लास्ट वाले मतलब क्या बोलते हैं उसको इस साल की लास्ट वीडियो करके। ठीक है, तो आई होप कि गाइज मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की मजदूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।